कहते हैं ना, मन मचल रहा है कहीं अब माउंटेन राइड के लिए। एकदम से रोशनी में टनल में आते ना तो अंधे से हो जाते, क्लियर नहीं हो पाता क्या है क्या नहीं। खैर चलो अब चलते हैं, कुछ नहीं हो सकता। घर की तरफ आ जाए थे कुछ काम कराने के लिए, आज नहीं हो पाया तो आज का दिन हो गया टोटली वेस्ट। तो गाइस आज चलते हैं सर्विस सेंटर, क्योंकि आज मुझे करानी है अपनी टूटी फूटी जो टेल लाइट है, इसको ठीक कराना है। पहले कि मैंने सर्विस सेंटर पता तो कर लिया अभी अवेलेबल है अभी, और अभी जा रहा हूँ चेंज कराऊँगा और एक दो चीज़ और चेक कराऊँगा। फ़िल्टर, गाड़ी का फ़िल्टर काफ़ी टाइम हो गया, वो चेक कराऊँगा और एक दो चीज़ और अगर जो माइंड में आई वो एक बार बोल दूँगा चेक करने के लिए, पर दो चार चीज़ें चेक करा लूँगा जनरली। तो मेन मेरा काम है आज बाइक की टेल लाइट को चेंज कराना। तो चलो चलते हैं अभी सर्विस सेंटर। वैसे टाइम हुआ है अभी 2:40, दोपहर का टाइम है। मैंने इसलिए जानबूझ के लिया ये टाइम क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है ना कि जो मॉर्निंग में गाड़ी आई होती है सर्विस की, वो भी उन सब का भी काम लगभग फिनिश हो चुका होता है इस टाइम तक। तो लंच के बाद ऑलमोस्ट, वैसे भी सैटरडे आज इतना रश तो नहीं मिलने वाला, तो कहने का मतलब कि जाते ही अपना हो सकता है कि जाते अपना नंबर लग जाए और अपनी गाड़ी टनाटन हो जाए। तो आज एक्चुअली क्या है कि जब से मैंने SJKM का एक बैटरी अभी लिया था, रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था उसी के रिगार्डिंग, तो वही बैटरी मैंने इसमें इंसर्ट की हुई है। तो आज इस बैटरी का बैकअप भी पता चल जाएगा कि अभी कितना बैकअप दे पाती है। अभी तो मैं 2K में भी शूट कर रहा हूँ जितना भी फुटेज वगैरह है, और आज पता लग जाएगा कि कितना शूट, कितना वीडियो रिकॉर्डिंग टाइम देती है ये वाली बैटरी। अभी चलते हैं सर्विस सेंटर फटाफट। यार रोड पे ट्रैफिक काफ़ी मिल रहा है, गाड़ी चल ही नहीं पा रही, बहुत ट्रैफिक मिल रहा है। थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा खुलना मिले इस फ्लाईओवर के बाद। तो एक्चुअली क्या है कि आपको पता ही है कि शायद दो वीक पहले मेरी बाइक का थोड़ा क्रैश हो गया था, तो उसमें मेरी जो रियर सेक्शन है बाइक का वो थोड़ा डैमेज हुआ है, और जो मेजर जो है वो मेरी टेल लाइट है वो पूरी ख़त्म हो गई है, अपने चेंज ही करानी पड़ेगी। तो मैं 2 वीक से तो जा नहीं पाया, लास्ट वीक भी मैं किसी रीज़न से नहीं जा पाया था सैटरडे संडे भी, और बल्कि मंडे टू फ्राइडे तो ऑफिस होता था उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आज सैटरडे है, आज भी मॉर्निंग का मेरा प्लान था लेकिन मॉर्निंग में मैं नहीं जा पाया क्योंकि एक ज़रूरी अनअवॉइडेबल काम आ गया था, उस काम को निपटा के अभी मैं जा रहा हूँ। लगभग अभी टाइम देखोगे तो 2:48 हुए, लगभग 3 बजने वाले हैं अभी, और अभी मैं जा रहा हूँ सर्विस सेंटर। आज मैंने सोच रखा था कि नहीं यार बाइक को आज कराऊंगा कुछ भी हो जाए, क्योंकि यार इतनी अच्छी बाइक और पीछे से जब देखते हैं ना तो टूटी हुई टेल लाइट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आज मुझे कराना ही था और आज मैं इसे करा के रहूँगा। तो अभी आने वाले नेक्स्ट वीक में भी एक अच्छा खासा, अगर देखा जाए तो ट्रिप बन सकती है अच्छी खासी, अगर मैं 14 तारीख की छुट्टी कर लूँ। 14 तारीख को मंडे है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, और फिर मंगलवार को 15 अगस्त है इंडिपेंडेंस डे की, उस दिन भी छुट्टी रहेगी। तो 4 दिन का प्लान अभी बन रहा है, बट अभी यार कुछ भी कन्फर्म नहीं है। मैंने इस बारे में सोचा भी नहीं कि अभी निकलना है या नहीं निकलना, क्योंकि पहाड़ों पर पता ही यार इस टाइम बारिश ने बहुत बुरी हालत कर रखी है, चाहे हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, बहुत बुरी हालत है इस टाइम। बाकी अगर देखा जाए तो नैनीताल मसूरी यहाँ तक तो जा ही सकते हैं, ऐसा कुछ इतना कुछ यहाँ पर है नहीं, यहाँ तो नॉर्मल से मिलेगा। लेकिन अगर आप ऊपर जाने की कोई जाने का ट्राई कर रहा था वहाँ पर, तो अभी अवॉइड ही करो क्योंकि हालत अभी भी ठीक नहीं है। अभी कल का ही मैं एक रील देख रहा था, मनाली और पंडोर के बीच में कोई एक हाईवे पूरा का पूरा ख़त्म हो गया वहाँ पर वो, और इससे पहले 29 तारीख का शायद एक वीडियो आया था जो कि रुद्रप्रयाग और अपने बद्रीनाथ जी के बीच का जो हाईवे है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है और अभी तक रिस्टोर नहीं हुआ है। सही बताऊँ तो अभी तक यात्रा रुकी हुई है उस साइड पे। तो हालत ये है अभी पहाड़ों के, जाना सेफ नहीं है फिलहाल। तो चले भी गए तो फिर वहाँ पे अटक गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो अभी मैंने सोचा नहीं कि कहीं निकलना है या नहीं निकलना है, बाकी टाइम का कुछ नहीं पता, हो सकता मैं कहीं निकल ही जाऊँ। यार ये ट्रैफिक मिल गया,
तेरे की फंस गए यहाँ तो। वैसे भी यार बहुत टाइम हो गया, मेरे ख्याल से मैं लास्ट जो मेरा ट्रिप था वो शायद मार्च या अप्रैल मंथ में था, मार्च में था शायद। उसके बाद कहीं जाना नहीं हो पाया है और काफ़ी कहते ना मन मचल रहा है कहीं अब माउंटेन राइड के लिए। बट अभी मैंने बताया कि वेदर थोड़ा अनअवॉइडेबल है, इसलिए सॉरी वेदर थोड़ा ऐसा है कि अवॉइड नहीं किया जा सकता पहाड़ों पर। हिमाचल पे तो आप बिल्कुल नहीं सोच सकते इस टाइम, क्योंकि हिमाचल में तो पता ही है कितना ज़्यादा बुरा हाल हुआ है। बात रही उत्तराखंड की, उत्तराखंड में भी आप एक बार को देखो जाते, ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकते, जैसे कि नैनीताल, मसूरी और चकराता, इस तरह की लोकेशन फिर भी ठीक है, जा सकते हो। लेकिन ये दरअसल मैं तीनों ही लोकेशन कवर कर चुका हूँ, तो यहाँ जाने का कोई मेरा अभी तुक नहीं बनता। एक्चुअली मैं सही बताऊँ ना, मेरा मन है गंगोत्री वाले रूट पे जाने का, क्योंकि वो रूट बहुत ही सीनिक है यार, वहाँ पर मेरा बहुत मन है जाने का। अब देखते हैं क्या कहते हैं क्या योग बनेगा, अभी नेक्स्ट वीक अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मे बी मैं निकल जाऊँ उसी रूट पर, क्योंकि अब मुझे मेरा टारगेट है कि मुझे उसी रूट पर निकलना है, गंगोत्री वाले रूट पर। वो रूट बेहद शानदार है यार, बेहद। अब देखते हैं कब निकल पाएंगे भी नहीं निकल पाएंगे, मामला अधर में अटक जाता है हर बार। तीन चार बार से ट्रिप प्लान होती है, तीन चार बार ही तीनों सारा का सारा जो प्लानिंग है चौपट होकर रह गई। तो अभी मैं फ़िलहाल ऐसे कोई प्लान कर भी नहीं रहा, निकलना होगा तो एकदम से निकल जाऊंगा, अनप्लान ट्रिप पे निकल जाऊंगा, क्योंकि प्लानिंग करके मैंने देख लो तीन चार बार से कुछ नहीं हो पा रहा। एकदम से रोशनी में टनल में आते ना तो अंधे से हो जाते, क्लियर नहीं हो पाता क्या है क्या नहीं। अभी एकदम से देख, जैसे यहाँ पे रोशनी काफ़ी अच्छी खासी डे लाइट है, अंदर जाएंगे अंधेरा होता है, तो विजिबिलिटी नहीं अच्छी मिल नहीं पाती, एकदम से अंधेरा हो जाता है, क्योंकि लाइटिंग सिस्टम यहाँ पर है ही नहीं, नाम का है। पानी भरा हुआ भाई आराम से, यहाँ पे मैम दरअसल जब बारिश होती है ना ये तो रुक ही जाता है, पीछे से ही यहाँ पे बैरिकेडिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर पूरा पानी भर जाता है और मेरे ख्याल से निकासी भी अच्छी नहीं है पानी की यहाँ पे। अभी भी पानी भरा हुआ, पता नहीं कौन सी बारिश का, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बारिश नहीं हुई है दिल्ली में, तब भी यहाँ पर पानी जमा हुआ हो रखा है। आप यहाँ पर फिंगर क्रॉस की यार यहाँ पर आनंद विहार जाम ना मिले, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा जाम मिलता है जब मिलता है तो। वैसे तो अब जनरली मिलता ही है क्योंकि फ्लावरों का काम चल रहा है, बट अभी दोपहर का टाइम है, हो सकता है थोड़ा ट्रैफिक कम हो, सैटरडे वैसे है। बट जो हालात आज मुझे अंदर अभी जिस हालात से होके आया है, मैं उसको देखते हुए लग नहीं रहा कि थोड़ा शांति सुकून यहाँ भी देखने को मिलेगी, यहाँ भी अच्छा खासा जाम देखने को मिल सकता है, बाकी पता कुछ नहीं अभी। चलो भाई हम तो कट लेते हैं इस गली से, इस रोड से, और पहुँचते हैं आज के काम के लिए। पटपड़गंज औद्योगिक क्षेत्र, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आपका स्वागत है। तो यही है अपना बिग विंग का सर्विस सेंटर। हमें करना है इधर से टर्न, और हाँ यही यही रोड है। अब आगे सर्विस सेंटर, यहाँ करा था मैंने बाइक का काम। तो यार सर्विस से बाहर तो आ गए सर्विस सेंटर से, बट लाइट अभी भी एज इट इज़ है। दिक्कत ये हो गई कि अभी इन्होंने चेक किया अपने स्टॉक में, एक टेल लाइट इनके पास पड़ी हुई थी, मेरी उसके रिगार्डिंग बात भी हुई थी। बट हुआ क्या कि जो गाइस आज छुट्टी पर है किसी रीज़न से, उसे इसके बारे में मेरी गाड़ी के बारे में नहीं पता था, तो उसने वो जो लाइट है किसी और की बाइक में डलवा दी। अब जो जिस भाई से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने अभी चेक किया कि अभी वो जो लाइट है वो आपके उनके स्टॉक में
नहीं है वेयर हाउस में, तो उन्होंने उस बंदे से बात करी जो कि आज छुट्टी पर है। तो उसने बताया कि यार वो लाइट तो मैंने किसी कस्टमर की गाड़ी में ऑलरेडी डलवा दी है। अब उन्हें ये नहीं पता था कि मेरी और यहाँ पर जो भी गाय है सर्विस सेंटर में गाय है उससे मेरी बात हो रखी थी। तो वो तो कुल मिला के अभी लाइट अवेलेबल नहीं थी, तो अपनी बाइक का काम आज नहीं हो पाया। अब बोला यार मैं इतनी दूर से आया भी कुछ हो नहीं पाया, बेकार में अपना 1-1.5 घंटा लगाया। अब ये पहले चेक कर लेते मेरे आते ही तो शायद मुझे वेट नहीं करना पड़ता। अब निकलता हूँ घर, क्या करूँगा। अभी बोला है कि यार ऑर्डर कल लगा देंगे और कल के बाद देखते हैं कब कब मुझे कॉल करेंगे। वैसे तो जब भी जो लाइट स्टॉक में आते मुझे कॉल करेंगे, और मैं सैटरडे में ही आ पाऊँगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे तो ऑफिस होता है, उस टाइम समय नहीं मिल पाता। खैर चलो अब चलते हैं, कुछ नहीं हो सकता। घर की तरफ आ जाए थे कुछ काम कराने के लिए, आज नहीं हो पाया तो आज का दिन हो गया टोटली वेस्ट। चलो भाई अब चलते हैं घर की तरफ, कुछ नहीं हो पाया भाई। मैं तो सोच रहा था कि अगर लाइट चेंज हो जाती, गाड़ी अपनी सर्विस स्टेशन पे जाती, तो एक दो दो तीन काम जो मेरी नज़र में है वो भी मैं करा लेता, बट अब तो जिस जिस काम के लिए आए थे वही नहीं हुआ, तो फिर आगे मैं क्या ही बोलूँ। अब कराऊंगा तभी जब मेरी गाड़ी की टेल लाइट चेंज होगी, उस टाइम पे मैं दो तीन काम है मेरी नज़र में है अभी वो कराऊंगा। तो कुल मिला के भाई यार आज का तो सैटरडे अपना चला गया ऐसे ही। हाँ थोड़ा दुख तो होता है यार जिस काम के लिए, मुझे टाइम का इतना नहीं है, बट यार अपने बाइक का थोड़ा काम हो जाता तो अच्छा होता, क्योंकि मुझे अब कम से कम 1 वीक मुझे बाइक ऐसी इसी हालत में चलानी पड़ेगी। चलो भाई क्या कर सकते हैं। तो यार यही था, अब तो मेरा आगे शूट करने का मन भी नहीं कर रहा क्योंकि गाड़ी का काम हो ही नहीं पाया। अब आगे क्या ही करूँ, अब सीधा घर जाऊँगा और देखूँ क्या करना है। यार इधर से निकल जाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ आज गाड़ी घुसा दी भाई। उधर तो लग गया पूरा चक्का जाम हो गया वहाँ पे, तो कहते हैं इधर को निकल जाएंगे, बोला तो है पर निकल ही जाएंगे जब बोला है। तो रास्ते थोड़े ख़राब हैं, कोई नहीं, बट उस ट्रैफिक जाम से तो बेटर ही है। ये रे रोड, अब आगे निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक है चलो यार, कुल मिला के आज कुछ भी नहीं हो पाया अपने बाइक का काम, और बहुत बुरा लग रहा है। क्या क्या ही कर सकते हैं, जब टेल लाइट अवेलेबल ही नहीं तो करे क्या, कहाँ से चेंज कराऊँ। कोई नहीं यार अब हो गया सो हो गया। तो किधर जाना भाई, अब इधर जाना है शायद। तो चलो यार इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि अब कोई तुक नहीं है वीडियो को आगे खींचने का, कंटिन्यू करने का। फिर किसी नए वीडियो में मिलता हूँ जल्दी ही। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग यार वीडियो को, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मेरा कोई भी वीडियो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नए किसी वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।